नगर निगम भिलाई चरोदा के परिसर में श्री विश्वकर्मा पूजा रविवार को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ महापौर ने वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजन किया। नगर निगम भिलाई चरोदा कार्यालय परिसर में श्री विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हवन आरती की गई। इस अवसर पर महापौर सहित MIC मेंबर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। वहीं पूजा अर्चना के बाद नगर निगम परिसर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी पूजा, गाड़ी के ड्राइवर को महापौर ने गमछा व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ महापौर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा किया। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोचरे ने शहरवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव निर्माण एवं नव सृजन में जुटे सभी कर्म योगियों का अभिनंदन करते हैं। निर्माण व सृजन के अधिष्ठाता देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके जीवन में समृद्धि आए। सबसे पहले मैं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों और नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष की भांति हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा में भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई और यहां के सभी वाहनों की पूजा अर्चना की गई। भगवान विश्वकर्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे नगर निगम के इस परिसर में उनकी विशेष कृपा बनी रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा आम जनता की उम्मीदों में हम खरा उतर सकें, ये भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ और सभी के घर में अमन शांति और खुशहाली बने रहे, यही प्रार्थना मैं भगवान विश्वकर्मा जी से करता हूँ। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पूजा के बाद सभी उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा कुमारी से शैलेन खरे की रिपोर्ट।